आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 614वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोगों को सब कुछ निशुल्क, कब तक निशुल्क, किसके धन, किसके पैसे से निशुल्क, जनता से ही लेके आप जनता को ही निशुल्क दे रहे हैं, क्या ये सब उचित है? सियासी दलों के फंड से ये योजनाएं संचालित होनी चाहिए, जो निशुल्क योजनाएं सियासी दलों के द्वारा घोषणा की जाती है। डेढ़ दो दशकों से यह यूं कहा जाए कि 21वीं सदी के आगाज के बाद से सियासी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए निशुल्क योजनाओं का आरंभ किए हैं। इनमें निशुल्क अनाज, निशुल्क बिजली आदि न जाने कितनी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को, जो योजनाएं हैं, जनता को लुभा तो रही हैं, पर इससे लोग आलसी और निकम्मे भी बनते जा रहे हैं। लोगों के मन में अगर ये भावना आ रही हो कि हमें सब कुछ निशुल्क मिल रहा है तो हमें काम करने की आवश्यकता ही क्या है। इस तरीके की इसी तरह राज्य में सियासी दलों के द्वारा चुनावी वायदों को अगर देखा जाए तो निशुल्क बिजली सबसे प्रमुख नजर आती है देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी द्वारा इसका आगाज किया गया फ्री बिजली का। बिजली एक ऐसा घटक रहा है जो निशुल्क देने के नाम पर आम आदमी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज या राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी को ही मिला है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सफलता में इस वायदे का बहुत योगदान रहा है। लोगों को कहीं 200 तो कहीं 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने का प्रलोभन तो इस तरह दिया जा रहा है मानो आम आदमी पार्टी लोगों को 200 या 300 यूनिट बिजली निशुल्क देगी और उसका जो भी भोगमान होगा, जो भी उस पर खर्च आएगा, वो अपने पार्टी फंड से अदा करेगी या भोगेगी। कितने आश्चर्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त एक योजना का ऐलान किया गया था जिसमें उन्होंने निशुल्क बिजली देने की बात कही थी। बृहस्पतिवार आज 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना और अरविंद केजरीवाल की निशुल्क बिजली, दोनों ने निशुल्क बात करी है, दोनों में बहुत अंतर है। हम आपको बताते हैं अंतर क्या है। जमीन आसमान का अंतर इन दोनों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बहुत दूरगामी मानी जा सकती है क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हर महीने लोगों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी। 300 यूनिट बहुत होते हैं एक घर के उपयोग के लिए। केंद्र सरकार की इस सूर्य घर योजना के बारे में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी। इसके साथ ही 15,000 रुपये सालाना आमदनी भी होगी। योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए लागत का 60% और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता के बीच अतिरिक्त लागत के 40% की केंद्रीय वित्तीय सहायता होगी और ये कुल सहायता जो मिलेगी वो 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए मिलेगी, 3 किलोवाट के ऊपर के सोलर प्लांट के लिए नहीं मिलेगी। बाजार की मौजूदा मानक दरों पर अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट क्षमता की सौर प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट की सोलर प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट की सोलर प्रणाली के लिए 78,000 रुपये, 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए 1,45,000 रुपये की लागत आएगी और इसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। बचे 67,000 रुपये सस्ते लोन के रूप में सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था भी की जाएगी।
कहा जा रहा है कि उज्ज्वल योजना, पीएम किसान योजना की तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसे मोदी की गारंटी के बतौर पेश किया जा सकता है, ये बात भी सियासी फिजा में तैर रही है। इस योजना का मकसद है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महंगी बिजली से राहत दिलाई जाए। बिजली पर अपनी इनकम का, अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग को इससे राहत मिलेगी। ये योजना किसी एक राज्य के लिए नहीं, वरन संपूर्ण देश के लिए लागू की गई है। इस योजना को, हमारी अपनी नजरों में इस योजना को उचित माना जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना कुछ किए निःशुल्क कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस योजना के लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा, किंतु दीगर निःशुल्क योजनाएं जो दीगर निःशुल्क योजनाएं हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। गरीबी रेखा की सूची के नीचे, गरीबी रेखा के अंदर आप अपना नाम जुड़वाइए और महीने भर का राशन मुफ्त पाइए। इस योजना के की निःशुल्क, इस तरह की निःशुल्क योजनाओं में होने वाले खर्च का भार आखिर कौन उठाता है, कौन उसका भुगतान भुगतता है? जाहिर इसका भार जनता की गाड़ी पसीने की कमाई, जो जनता कमाती है उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उससे संचित राजस्व से ही इसे दिया जाता है। आप सुबह उठने से रात सोते समय तक, जब तक आप सोते हैं, जितना भी टैक्स आप सरकार को देते हैं वो ये उसमें से उसका बड़ा हिस्सा इसी तरह निःशुल्क उसमें चला जाता है। योजनाओं में देखा जाए तो इस तरीके की निःशुल्क वाली योजनाओं का प्रलोभन अगर जनता को किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने घोषणा पत्र में दिया जाता है तो उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि निःशुल्क वाली योजनाओं को लागू करने पर उसका जो उसमें वित्तीय भार आ रहा है वो उसी राजनीतिक दल के द्वारा उठाया जाएगा जो राजनीतिक दल इस योजना के बारे में घोषणा कर रहा है। आखिर करदाताओं के द्वारा दिए जाने वाले करों से देश के विकास के बजाय निःशुल्क योजनाएं संचालित करना कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक उचित है, आप विचार करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटी के लालटेन के 614वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटी के लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हूं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटी की लालटेन का 615वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।